अंबिका अभी 10 साल की ही थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी। अचानक उसको स्कूल जाने के समय पेट में बड़ी तेजी दर्द शुरू हो गया। उसने माँ से शिकायत की, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ ने सोचा स्कूल ना जाने का बहाना होगा। माँ ने कहा स्कूल तो जाना पड़ेगा, परीक्षाएं पास में आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव पड़े। पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कुछ खा लो और चले जाओ। माँ ने अंबिका को नमक अजवाइन दे दिया। अंबिका मन ही मन से स्कूल गई। स्कूल में पेट पकड़ कर बैठी रही। जब चौथा पीरियड आया तो वह बाथरूम गई। वहाँ उसने देखा कि उसके सारे कपड़े खून में लथपथ हो चुके। वह घबरा गई। जब वापस क्लास में आई तो उसकी सहेली क्लास टीचर ने कहा, अंबिका लगता है तुम्हारे पीरियड आ गए, स्टार्ट हो गए हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया? अंबिका रोने लगी। नहीं मैम, माँ ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्लास टीचर ने उसे रेखा, जो कि अंबिका की दोस्त थी, उसके साथ जीव विज्ञान के टीचर के पास भेजा। रेखा अंबिका को लेकर कुछ विज्ञान के टीचर के पास चली गई। टीचर ने उसे एक लंबा सा कपड़ा दिया और रेखा को कहा, तुम अंबिका को इसका इस्तेमाल करना बता दो। अंबिका के घर में स्कूल से फोन से कराया गया, मगर उसके माँ बाप दोनों ही काम पर जाते थे तो किसी के ने फोन नहीं उठाया। मोबाइल किसी के पास भी नहीं था। जब छुट्टी हुई तो उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। जो भी उसको देखता सब उसका मजाक उड़ाते। वह स्कूल से लेकर घर तक एक मजाक बनकर रह गई। सब लोग उसके कहते, हाँ हाँ देखो उसके कपड़े गंदे, लड़की मजाक उड़ाते, अरे देखो। अंबिका जब घर आई तो घर पर कोई ना था। वह खूब दुखी हुई। शाम को जब माँ घर आई तो उसने माँ से सारी बात बताई। माँ ने अंबिका को मारा, डांटा कि ऐसा तूने क्या किया कि तेरे इतनी जल्दी मासिक धर्म शुरू हो गया। अंबिका की माँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अंबिका को गलत समझने लगी। उसने अंबिका से ना जाने कितने अनगिनत सवाल पूछे, किसने तुझे छुआ, किसने तेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी ने तेरे व्यक्तिगत अंगों को हाथ तो नहीं लगाया, ना जाने क्या क्या। अंबिका रोती जा रही थी और माँ से बोली जा रही थी, माँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, मैं तो कहीं जाती भी नहीं। अंबिका के पापा जैसे ही घर आए कि पापा, उसकी माँ ने अंबिका के बारे में सब कुछ बताया। अंबिका की माँ स्वयं तो डॉक्टर के पास ना जाकर अंबिका को उसके पिता के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर अंबिका के पापा को समझाते हुए कहा, आजकल हार्मोन्स के कारण बहुत जल्दी पीरियड आ जाते हैं, यह एक नॉर्मल सी बात है। अंबिका के पापा ने अंबिका की शारीरिक जांच भी कराई। अंबिका इस बात से बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने अंबिका को नॉर्मल किया। बात साधारण थी, परंतु ना जाने क्यों पढ़े लिखे इंसानों ने भी उसको इतना पतंगा बना डाला। अंबिका के अब जब भी पीरियड स्कूल व मन में बार बार सोचती कि वह अब दोबारा मजाक नहीं बनेगी।